Again, good morning, everyone. This is for ma'am. I am explaining you chapter 2 of history. Topic of the chapter is from hunting, gathering to growing food. So, I have explained you the half chapter in the first part of the video, and this is the second part of the video in which I will explain you the remaining chapter. So, I have explained you that how people have started gathering, how people have started farming, how people have started domestication. and a lot of topics I have explained you now it's the time to explain you the new topic that is a new way of life jeevan jeene ka ek naya tarika if you plant a seed you will notice that it takes some time to grow agar aap ek पौधा लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ से कुछ समय लगता है बढ़ने में this may be for several days weeks months and in some cases years इसे कुछ दिन लग सकते हैं कुछ हफ्ते कुछ महीने और कुछ केसेज में तो सालों लग जाते हैं वैन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स इट मैंट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स वाटरिंग बीडिंग ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपिनट सो जब लोगों ने प्लांट्स लगाना शुरू किया लोगों ने पेड़ पौधे लगाना शुरू किए तो इसका मतलब था कि उनको एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहना हो होता था ताकि वो पेड़ों की देखभाल कर सकें पानी दे सकें जानवरों को और बर्ड्स को वहाँ से हटा सकें ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे किसी भी तरीके का प्लांट्स को और उनको तब तक वहाँ रहना होता था जब तक कि उनकी फसल जो है वो पक नहीं जाती थी एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली और उसके बाद उन्हें उस ग्रेन का बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना होता था एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग इट सो जो ग्रेन थी जो फसल होती थी अनाज उसको दो तरीके से स्टोर किया जाता था सीड के रूप में और फूड के रूप में सो so, उन्हें लोगों को क्या करना होता था एक नए तरीके ढूंढने होते थे ताकि इनको स्टोर कर सकें इन मैनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डग पिट्स इन टू द ग्राउंड सो बहुत सारे एरियाज में लोगों ने क्या किया बड़े बड़े क्ले पॉट्स मिट्टी के पॉट्स बना लिए उसमें रख दिए उन्होंने और बास्केट्स बुनी और कुछ लोग क्या करते थे जमीन में गड्ढे खोद लेते थे और वहाँ पर उसको सेव कर दिया करते थे हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज यहाँ पर तरीके बताए गए हैं जिन आ, किस प्रकार से ग्रेन का यूज होता था सो दैट इज एज सीड्स सीड के रूप में यूज किया जाता था एज फूड फूड के रूप में किया जाता था एज गिफ्ट्स लोगों को उपहार दिया जाता था इसका स्टोर फॉर फूड और इसको स्टोर कर लिया जाता था आगे के लिए फूड के रूप में नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉर्टिंग एनिमल्स सो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली एनिमल्स तो अपने आप ही बढ़ जाते हैं नेचुरली प्राकृतिक तौर पर बिसाइड्स इफ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मै एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड सो अगर आ, इनकी अच्छे तरीके से देखभाल की जाए तो ये हमें मिल्क देते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फ़ूड का मीट देते हैं जब कभी भी ज़रूरत होती है इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियोर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ़ फ़ूड सो इस तरीके से देखा जाए ए, इन शब्दों में कहें तो जो एनिमल्स का पालन पोषण था वो भी एक तरीके से स्टोर ऑफ फूड ही था खाने का संरक्षण करना ही था Next topic is finding out about first farmers and herders. Pehle farmers or herders ko dhund Now, see, turn to map 2, page number 13. Again, you will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. So, I have shown you map 2 on page number 13. So, here you can uh, notice a number of blue squares. और हर स्क्वायर जो है वो मार्क कर रहा है एक साइट को जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे आई शो यू मैप टू अगेन सो हेयर अगेन आई एम शोइंग यू मैप टू सो हेयर यू कैन सी ब्लू स्क्वायर्स सो ब्लू स्क्वायर्स कैन बी सीन हेयर मेहरगढ़ बुरज होम चिराद हेडिंग

कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है प्रेजेंट डे में वो कश्मीर में आते हैं ईस्ट एंड साउथ इंडिया के टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट फॉर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स सो ये जानने के लिए कि ये जो साइट्स हैं ये सेटलमेंट्स थे फार्मर्स और हर्डर्स के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं एविडेंस की जो भी एविडेंस के तौर पर प्लांट्स और एनिमल्स बोन्स मिली हैं उनकी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बोंड ग्रेन सो जो एक बहुत एक्साइटिंग क्लू है वो है रिमेन्स मिले हैं अवशेष मिले हैं बोंड ग्रेन के यानी जली हुई फसल के दीज मे हैव बीन बोंड एक्सीडेंटली और ऑन परपजस ये किसी एक्सीडेंट के थ्रू भी जल सकती हैं और जानकर भी किसी पर्पज़ के थ्रू भी जलाई जा सकती थी साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दब कॉन्टिनेंट साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर पाए हैं इन ग्रेन्स को और हम जानते हैं कि ये जो है अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन कई प्रकार की मतलब क्रॉप्स जो थी वो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो की जाती थी दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स और साइंटिस्ट जो हैं वो अलग अलग एनिमल्स के बोन को भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं Towards a settled life. Now people have learned hunting, people have learned gathering, people have learned farming. So when they have learned farming, they have to stay at a place for a long time, as I have told you. So it leads towards a settled life. It leads them toward a settled life. So archaeologists have found uh, traces of huts or houses at some sites. Archaeologists could, uh, could uh, you know, Uh, ऐसे अवशेष मिले हैं घरों के और झोपड़ियों uh, के फॉर इंटेंस इंस्टेंस सॉरी इन बुरजा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम सो एग्जाम्पल देख सकते हैं बुर्जा होम जो कि आजकल प्रेजेंट डे में कश्मीर में है यहाँ पर लोगों ने पिट हाउसेस बनाए हुए हैं जिन्हें ज़मीन के नीचे खोद कर बनाया जाता है स्टेप्स uh, होते हैं नीचे जाने के लिए डीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर ये ठंडे मौसम में शेल्टर प्रोवाइड कर सकती थी आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हार्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट को घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह पर खाना बनाने के प्लेसेस मिले हैं विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स जो ये सजेस्ट करता है कि डिपेंड करता है वेदर पर वेदर के अकॉर्डिंग ही लोग घर के अंदर और घर के बाहर फूड बनाया करते थे स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्राम मनी साइड एज वेल बहुत सारी साइड्स पर स्टोन टूल्स भी मिले हैं मेनी ऑफ दिज आर डिफरेंट फ्राम द अर्यियर पेलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक और बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स से बहुत अलग हैं और इसीलिए इनको बोला जाता है नियोलिथिक बिकॉज नियोलिथिक मींस द न्यू स्टोन एज दीज इंक्लूड टूल्स दैट व पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एड एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस सो इज इनमें बहुत सारे टूल्स होते थे जो पॉलिश होते थे टू तो गिव अ फाइन कटिंग एज सो एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स भी होती थी यूज टू ग्राइंडिंग यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस पीसने के लिए बहुत सारे अनाजों को यू नो मोटर्स और पेस्टल्स होती थी मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे और हालांकि आज भी यूज़ किया जाता है सेवन थाउजेंड ईयर्स लेटर कई सालों के बाद भी आज भी मोटर्स और पेस्टल्स का यूज़ होता है इन वी से इन हिंदी वी से चक्की आटा पीसने के लिए एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज एंड रिमेंबर सम टूल्स फॉर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स इसके साथ ही इस समय पर जो पेलियोलिथिक टाइप uh, में जो टूल्स थे पेलियोलिथिक एज के वो भी कंटिन्यू रहे उनका चलन भी रहा और इसके साथ ही एक कुछ uh, जो टूल्स थे वो बोन्स के बने हुए भी यूज किए जाते थे मेनी काइंड अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड बहुत प्रकार के मिट्टी के बने हुए घड़े भी मिले हैं आर्क्योलॉजिस्ट को दीज वर समाइम्स डेकोरेटेड कभी कभी ये डेकोरेटेड होते थे एंड वर यूज फॉर सॉर्टिंग थिंग्स चीजें रखने के लिए यूज किए जाते थे पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड स्पेशली ग्रेन लाइक राइस वीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायट सो लोगों ने क्या किया इन पॉट्स का यूज किया खाना बनाने के लिए स्पेशली ग्रेन जो होती है आपकी राइस वीट और लेंटिल्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था आप सभी की डाइट का लेंटिल्स मीन्स होता है दाले बिसाइड्स दे बिगिन वेविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन सो इसके साथ ही इन लोगों ने क्या किया कपड़ा बुनना शुरू किया यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स अलग अलग प्रकार के मटेरियल से एग्जाम्पल के लिए कॉटन जो कि अब उगाया जाता था दे यूज टू वेब क्लोथ बाई यूजिंग कॉटन डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर इन ऑल एट वंस नॉट क्वाइट क्या सारी चीज़ें एक ही साथ एक समय पर बदल गई थी नहीं इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी लोग हंट करते थे और गैदर करते थे फूड को एट द प्लेस ऑफ ग्रोइंग एंड एल्स वेयर पीपल अडोप्टिड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवन थाउजेंड ईयर्स और कुछ uh, सालों में लगभग कई सालों में कई इलाकों में लोगों ने क्या किया था अडोप्ट कर लिया था फार्मिंग को फार्मिंग करने लगे थे एंड हर्डिंग करने लगे थे बिसाइड्स इन पीपल ट्राई टू कम्बाइन दिज एक्टिविटीज थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स और इसके साथ ही लोगों ने क्या किया था कम्बाइन कर लिया था इन एक्टिविटीज़ को बिकॉज वो डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे दे हैव डिवाइडेड दे एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द सीजन्स और सीजन्स के अकॉर्डिंग वो फार्मिंग हर्डिंग किया करते थे यू कैन सी द एगाम्पल्स ऑफ सम स्टोन टूल्स न्यू स्टोन टूल्स एक्चुअली दे आर रिलियड ऑफ स्टोन अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ सो मेहरगढ़ आई हैव शोन यू इन मैप टू ऑन पेज नंबर थर्टीन सो लेट्स टेक अ क्लोज लुक एट लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ मेहरगढ़ में किस प्रकार का जीवन था और किस प्रकार मृत्यु हुआ करती थी दैट वी विल सी फाइन मेहरगढ़ ऑन मैप टू पेज नंबर थर्टीन आई हैव ऑलरेडी शोन यू लेट मी शो यू अगेन सो हेयर यू कैन सी मेहरगढ़ विच इज गिविन ऑन मैप टू on page number 13 you can see in your books so uh, this site is located in a fertile plain near the bolan pass which is one of the most important routes into iran ye jo site hai mehergarh ki ye ek bahut hi fertile plain ke paas hai फर्टाइल प्लेन मीन्स उपजाऊ मैदान है जो कि नियर किसके पास में है बोलन पास के जो एक इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान का प्लेसेस वियर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड बीट एंड रीप एंड गोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया सो मेहरगढ़ वो जगह है प्रोबेबली संभवता जहां पर लोगों ने सबसे पहले बार्ले और बीट को ग्रो करना सीखा एंड शीप और गोट्स का पालन पोषण करना सीखा इस एरिया में इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विजेस दैट वी नो अबाउट ये सबसे स्टार्टिंग के विलेजेस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं एट दिस मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड इस साइड पर बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले हैं बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड जो बोन्स है वो वाइल्ड एनिमल्स के भी हैं लाइक डियर एंड पिग एंड बोन्स जो है वो शीप और गोट के भी हैं जो कि मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को अदर फाइंड मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स स्क्वागुलर हाउसेज इसके साथ ही वहाँ पर रिमेन्स यानी अवशेष भी मिले हैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेज के ईच हाउस हैड फोर और मोर कंपार्टमेंट्स हर घर में चार और चार से ज्यादा कंपार्टमेंट हैं सम ऑफ विच हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज जिसमें से कुछ का यूज केवल स्टोरेज के लिए किया जाता होगा आई थिंक वैन पीपल डाई देयर रिलेटिवस एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू दैम जब लोग मर जाते थे सो so जनरली लोग क्या करते थे उनके रिलेटिव और फ्रेंड्स उनको रेस्पेक्ट देते थे पीपल लुक आफ्टर दैम पर हैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर देथ लोग इसलिए भी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि uh, इस जीवन के बाद भी मीन्स uh, मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट बरियल जो है वो एक इसी प्रकार का अरेंजमेंट है सेवरल साइट्स हैव बीन एट मेहरगढ़ मेहरगढ़ में कई सारे बरियल uh, जो है वो साइट्स मिली हैं इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोड्स विच वर प्रोबेबली मैन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड सो कुछ जगह uh, एक ऐसा उदाहरण मिला है जहाँ पर एक मृत व्यक्ति को जब दफनाया गया उसको जब बरी किया गया सो so उसके साथ गोट्स भी बरी किए गए थे बिकॉज उन लोगों का ये मानना था कि जो भी उनका मृत्यु के बाद जीवन है दूसरी दुनिया का वहां पर उसको वो फूड के रूप में फूड के रूप में सर्व कर सकें खुद को सो हेयर यू कैन सी एग्जाम्पल अबरियल फ्रॉम मेहरगढ़ कैन यू आइडेंटिफाई द स्लेटन ऑफ द goats? हेयर द स्केलेटन कैन बी सीन ऑफ अ पीपल सॉरी ऑफ अ पर्सन एंड ऑफ goats ऑल्सो जो कि उनको इसलिए दिया गया था कि वो दूसरी जब उनका मृत्यु के बाद जीवन स्टार्ट हो तो वो गोट को फूड uh, के रूप में यूज कर सकें एंड इन द अदर पिक्चर यू कैन सी अ हाउस इन मेहरगढ़ मेहरगढ़ का एक घर दिखाया गया है दिस इज वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक इस प्रकार से दिखता था इन वॉट वेज इज़ दिस हाउस सिमिलर टू दिस वन इन विच यू लिव क्या आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सिमिलर है जिस प्रकार के घरों में आप आज रहते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज केव पेंटिंग इन फ्रांस फ्रांस में केव पेंटिंग गुफाओं को पेंट करने का चलन हुआ करता था फाइन फ्रांस इन योर एटलस अपनी एटलस निकाल कर बैठिए उसमें फ्रांस को ढूंढिए द पेंटिंग बिलो इज फॉर्म फ्रॉम अ केव इन फ्रांस जो पेंटिंग नीचे दी गई है आई शो यू सो दैट इज फ्रॉम द केव ऑफ फ्रांस दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई फोर स्कूल चिल्ड्रन मोर देन अंड्रेड ईयर्स है गो कुछ साल पहले कुछ सौ साल पहले चार स्कूली बच्चों के द्वारा इस साइट की खोज की गई थी पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन ट्वेंटी थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड ईयर्स अगो और इस प्रकार की जो पेंटिंग्स हैं वो लगभग दस से बीस हजार साल पहले बना करती थी मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस और वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल बाइसन वूली रिनोसिरस रेन डियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स कई सारे यू नो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनके नेम्स यहाँ बताए गए हैं ये पेंट किए गए हैं ब्राइट कलर्स से इन केव्स में दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओखरे और आयरन ओर सो ये मिनरल से बने हुए हैं एंड चारकोल से इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स और ये भी पॉसिबल है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये सेरेमोनियल जो ओकेजन हुआ करते होंगे वहाँ पर उस समय पर ड्रॉ की गई होंगी पेंट की गई होंगी और पर वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे और शायद हो सकता है जो भी स्पेशल रिचुअल्स स्पेशल रिचुअल्स किए जाते होंगे परफॉर्म हंटर्स के द्वारा जब वो शिकार की खोज में जाते हैं उस समय पर यू नो ड्रॉ किए गए होंगे इस प्रकार की पेंटिंग्स हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग विच इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो सो यू कैन सी द एनिमल हे नेक्स्ट टॉपिक इज अनियोलिथिक साइट सो न्यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट न्यू स्टोन एज टर्की इन योर एटलस में टर्की को ढूंढिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट ये एक बहुत फेमस न्यूलिथिक साइट है कैटल ह्यूक वॉज फाउंड इन टर्की सेवरल थिंग्स वो ब्रॉड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज प्लिंट फ्रॉम सीरिया कॉरीज फ्रॉम द रेड सी शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें आती थी और उनका यूज सेटलमेंट के लिए किया जाता था पीपल सो no so, याद रखिए उस समय पर किसी भी प्रकार की गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी ज्यादातर चीजें जो थी वो जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया जाता था और समटाइम्स पीपल ऑल्सो ब्रिंग यू नो कैरी बाईन देर बैक अपनी पीठ पर लाद कर लेकर आते थे सो दैट्स हाउ पीपल है Uh, you know, uh, gathering. Then they have learned farming, and when they have learned farm farming, they settled at a place. place per settled. Hoga. Then they have learned domestication. They have learned how to grow food, and a lot of things. And this is how the you know uh, development has been done in the past. So uh, this was chapter two. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video till that keep learning stay home stay safe bye bye everyone